अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने करी, यानी कि क्रिकेट को पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गयो। तो क्रिकेट की शुरुआत करना को जो महत्वपूर्ण योगदान जाए वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जावे। लेकिन अब अगर आज के टाइम में बात करूं तो आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वैल्यू थोड़ी कम होगी, और इसकी जो वैल्यू कम होने का पीछे कारण है वे है घरेलू लीग, यानी जो घरेलू लीग चाली जैसे IPL, PCL और भी बहुत सारी लीग चाली, दुबई में चाले, अलग अलग देशों में अलग अलग लीग चल रही है। तो ये जो लीग खेली जावी अन्य में जो प्लेयर ही बने बहुत ज्यादा पैसा दिए जावे, इसके चलते जो क्रिकेटर ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने तो ज्यादा महत्व कौन दे रहे, और ये जो क्रिकेटर ही हमें सब पहले नाम आवे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का ज्यादा नाम आवे। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमें मिलकर क्रिकेट की शुरुआत करी, लेकिन अब ये दोनों ही एक तरह से क्रिकेट ने खत्म कर बड़ा काम कर रहे हैं। कोई भी घरेलू लीग खेल लो कोई गलत बात को नहीं, लेकिन घरेलू लीग से पहले अपनी अंतर्राष्ट्रीय टीम यानी कि अपनी खुद की जो टीम है बिना महत्व जरूरी चाहिए। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया को डेविड वॉर्नर जाएंगे सबने बेरा की बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। तो डेविड वॉर्नर अब वनडे और टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा कर दी है, और जो संन्यास की घोषणा करना का जो मेन कारण है वो डेविड वॉर्नर बताया कि डेविड वॉर्नर अपना जो टाइम टेस्ट और वनडे से निकला हो यो टाइम जो घरेलू लीग चली बाद में देने की कोशिश कर सी। तो जो डेविड वॉर्नर भी को साफ मकसद ये है कि वनडे और टेस्ट में समय खराब नहीं करके जो घरेलू लीग चली बाग के अंदर अपनो प्रदर्शन दिखा सी। डेविड वॉर्नर के सागर सा गई साउथ अफ्रीका और क्विंटन डी कॉक भी पिछले 2023 का वनडे वर्ल्ड कप के बाद में वनडे से संन्यास ले लिए, और साथ ही टेस्ट सभी पहले संन्यास ले लियो। तो क्विंटन डी कॉक भी अब T20 मैच ही खेल सी। डी कॉक के अलावा बात करूं इंग्लैंड का बेन स्टोक्स के बारे में, तो बेन स्टोक्स यो खिलाड़ी भी टेस्ट से पहले संन्यास ले लियो और वनडे से भी संन्यास ले लियो, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इस खिलाड़ी की वापसी कराई गई। लेकिन भी के बाद में अब यो खिलाड़ी दोबारा से वनडे से संन्यास ले चुके हैं, और सिर्फ T20 और घरेलू जो क्रिकेट ही बाकी लीग खेले। और भी अगर बात करूं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, लेकिन जो ट्रेंट बोल्ट है वो बहुत चालाक है, द्विपक्षीय सीरीज बिल्कुल भी कौन खेल रहे हो। यो खिलाड़ी सिर्फ जो घरेलू लीग में खेले है, बिके अलावा जो बड़ा टूर्नामेंट हुई बाकी अंदर आवे और टीम में परफॉर्मेंस करके जावे। एक तरह से अगर माना तो ट्रेंट बोल्ट की जगह हर बार कोई बड़े टूर्नामेंट में कोई भी वर्ल्ड कप हो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो बिके अंदर ट्रेंट बोल्ट की जगह पक्की है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट टीम के साथ में कौन जुड़ रहे हो। बिके अलावा अगर बात करें वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में, तो हाल ही में एक खबर निकल के सामने आई कि जो वेस्ट इंडीज का प्रमुख तीन खिलाड़ी यानी जेनसन होल्डर, निकल स्पून और मेयर्स, ये तीनों ही आपको सालाना कॉन्ट्रैक्ट टीम से खत्म कर लिए, यानी कि इसके अनुसार ये तीनों खिलाड़ी टीम से अब दूर रहेंगे। और इनको भी जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट है इससे दूर रहना को सिर्फ एक ही कारण है, वो की घरेलू लीग। वेस्ट इंडीज का तो बहुत सा खिलाड़ी है कहीं जो की आपकी इंटरनेशनल टीम ने बिल्कुल ही महत्व कौन देवी, ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेशनल लीग ही या फिर बोलो तो जो घरेलू लीग ही में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और इनको साफ करने की है कि जो घरेलू लीग है इनमें आन की कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम इंडिया के लिए बात बहुत ही अच्छी बात है। टीम इंडिया के जो खिलाड़ी भी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार महत्व दे रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी वापसी करने के लिए लगातार प्रयत्न करता रही और लगातार मेहनत करता रही। तो अब ये जो विदेशी खिलाड़ी है ये घरेलू लीग की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं, तो एक कारण ही जो इंटरनेशनल क्रिकेट है भी को थोड़ा अस्तित्व कम हो रहे हैं। ये जो खिलाड़ी है क्रिकेट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही बदल दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर थानी वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो थोड़े दोस्तों शेयर जरूर करियो।